कुर्रे अर्स पर ढाई अरब ईसाई हैं और कुर्रे अर्स पर दो अरब मुसलमान हैं और लाखों यहूदी हैं यहूदियत ईसाईत और इस्लाम तीन अहम मगरबी मजाहिब हैं और ये तीन बड़े मजाहब जिनके मुश्तर पेरोकार इंसानी आबादी का नस्फ हिस्सा हैं, एक खुदा को मानते हैं। वो एक खुदा को मानने का दावा करते हैं वो एक ही खुदा इब्राहिम इसहाक और याकूब के खुदा इंजील कदीम और नए इंजील के खुदा पर ईमान लाने का दावा करते हैं मकसद हकीम के पहले बब में हम इस क़स्से को बढ़ाते हैं ये सबसे अहम कि क्योंकि ये खालिद के साथ तख्लीक के तल्लक के आगाज का खाका पेश करती है इंसान के साथ खुदा का रिश्ता अगर कोई इंसान इन किताबों पर ईमान लाने का दावा करता है तो उसे समझने के लिए इस बाब में वापस जाना जरूरी है उसे पैदाइश की किताब में वापस जाना जरूरी है उन्हें कुरान आदम और इबलीस की कहानी और तख्लीक आदम की तरफ वापस जाना जरूरी होगा अगर कोई खालिक है तो वो हमसे क्या चाहता है हम उसे कैसे जान सकते हैं हम कैसे जानते हैं कि वो क्या चाहता है जब हम इंजील में कहानी का जायजा लेते हैं और जब हम कुरान में कहानी का जायजा लेते हैं और हम उनको एक दूसरे के साथ रखते हैं तो हमें मालूम होता है कि बुनियादी तौर पर खुदा आदम को तख्लीक करता है खुदा इंजील में फैसला करता है कि वो आदम को बाकी मखलूकत पर मुक्र करेगा खुदा इन्हें जानवरों और जमीन के दरिंदों पर बादशाह बनाता है कुरान में खुदा ने इन्हें फरिश्तों पर बादशाह बना दिया और वो तमाम फरिश्तों को इन्हें सजदा करने का हुक्म देता है खुदा कहता है कि मैं जमीन में खलीफा बना रहा हूँ बेशक मैं मुल्क में बादशाह बना रहा हूँ और वो आदम में अपनी रूह फूक देता है तो वो आदम को चुन लेता है खुदा और बनिए नौ इंसान के दरमियान ताल्लुक का आगाज मोहब्बत से है इंतखाब का रिश्ता है जब उसने अपनी नीयत साफ साफ बताकर आदम को मुकर किया कि बेशक मैं जमीन में खलीफा बना रहा हूँ और इन्हें तमाम मखलूक के सामने और फरिश्तों के सामने नाम लेकर मुकर कर रहा हूँ वो क्या करता है वो आदम को तमाम चीजों के नाम सिखाता तो है और आदम को कहता है कि वो आगे बढ़ें और लोगों को उनके नाम बताएं और चीजों चीजों को उनके नाम बताएं और जानवरों और हर चीज का नाम बताए बस उनके पास खुदा की तरफ से तकरी का खत भी होता है और उनके पास खुदा का इल्म भी होता है और तीसरी बात यह है कि आदम को खालिक की तरफ से कवानी दिए गए हैं जिनको खालिक आदम से बरकरार रखने की तो क्योंकि आदम खुदा के कवान को बरकरार रखने वाला खुद खुदा के बराबर है दुरुस्त या गलत अगर आपके पास रोमी शहनशाह हैं और वो किसी शख्स को किसी मुल्क में रोम के कवानी के मुताबिक हुकूमत करने के लिए मुकर करते हैं मुकर करता है तो रोम मुबसर तरीके से इस मुल्क पर हुकूमत कर रहा है दुरुस्त या गलत यहाँ भी वही बात है आदम की तकररी और उनकी हुक्मरानी अल्लाह ताला की हुकूमत के बराबर है ठीक है तो आगे क्या होता है इसके बाद क्या होता है कि कोई ऐसा शख्स होता है जो नहीं चाहता कि खुदा हुकूमत करे और ये कि एक बहुत आला फरिश्ता था जो आदम की तकर्री से पहले कमांडर इन चीफ था लूसीफर इब्लीस, शैतान अल्लाह ताला कुरान में तमाम फरिश्तों से फरमाता है कि आदम को सजदा करो और सब ने सजदा किया सिवाय सिवास के Except उसने इनकार किया और वो मुतकबरों में से था खुदा शैतान उसने कहा क्या मैं इस चीज को सजदा करूं? जिसे मैंने अपने हाथ से बनाया है तूने मुझे आग और उसे मिट्टी से बनाया इबलीस शैतान उस वक्त सोचता है कि वो बेहतर है उसके पास एक बेहतर ख्याल है उसे लगता है कि वो आदम से ज्यादा इल्म रखता है वो अपने आप को आदम से बेहतर समझता है वो आदम से ज्यादा मुवसर तरीके से हुकूमत कर सकता है बस आदम को मुकर करने वाले खुदा और आला फरिश्तों में से एक फरिश्ते के दरमियान इख्तलाफ होता है किस चीज़ पर तख्त पर हुक्मरानी पर यहीं से जद्दोजहद हो रही है तो खुदा शैतान को बाग से निकाल देता है और और उसने आदम आदम, की तरफ देखा और कहा, आदम, मैं तुम्हें एक देने वाला हूँ, और मैं तुम्हें एक चीज से मना करने वाला हूँ ये मेरे कवानीन हैं, इन्हें रखो ये मेरे और तुम्हारे दरमियान मेरा अहदनामा है वो इनसे कहता है फलदार हो और बढ़ो मैं चाहता हूँ कि तुम आदम, आदम जाओ और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे बहुत बच्चे हों मैं चाहता हूँ कि तुम इस दुनिया को अपने बच्चों से भर दो लेकिन तुम जो कुछ भी करो इस दरख्त के करीब ना जाना तो वो इन्हें दरख्त का फल खाने से मना करता है अब यकीनन दरख्त की ये कहानी ये एक तमसीली कहानी है और ये सोचना कि एक कादिर मुल खालिक अपने नए मुंतब बादशाह को सिर्फ इस वजह से मुल्क से खारिज करेगा कि उन्होंने इस दरख्त से पल खाया हो जिसे रब्बुल इज़्ज़त ने खास दरख्त समझा था या इस दरख्त के फल को किसी और चीज़ के अलावा पसंद किया तो इससे ज्यादा होना जरूरी है और मुझे लगता है कि सब ज्यादातर समझदार लोग ही इससे इतफ़ाक करेंगे ठीक है और जब हम मोहम्मद और आले मोहम्मद की रवायतों का जायजा लेते हैं हमें मालूम होता है कि वो इस हकीकत को बयान करते हैं वो कहते हैं जब किसी ने इनसे पूछा कि ये कौन सा दरख्त है जिसके खाने से आदम को मना किया गया था वो कहते हैं क्या ये अंगूर का दरख्त था क्या ये गंदम का दरख्त था ये कैसा दरख्त था जवाब वापस आता है कि ऐसा नहीं था ये ना ये था न वो ये दुनिया के किसी दरख्त जैसा नहीं था तो अब हमें इस हदीस से मालूम हुआ कि वो किसी दरख्त के बाद भी नहीं कर रहे हैं वो दरख्त के अलावा किसी और चीज के बारे में बात कर रहा है तो अब दरख्त किसी चीज़ के लिए अलामत है और हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि ये चीज़ क्या है तो हम अहले इल्म की तरफ लौटते हैं और हम अम्बिया और रसूलों मोहम्मद और इनके अहले बैत अलसलम के पास वापस जाते हैं और हम देखते हैं कि वो क्या कहते हैं हम देखते हैं कि लोगों ने मोहम्मद और आले मोहम्मद से कुरान की एक और आयत के बारे में पूछा था जिसमें एक नेकी की दरख्त के बारे में बात की गई थी किसी ने कहा यह शजर तय्यबा क्या है और मोहम्मद और आले मोहम्मद आले महम्म आले आले ने कहा खुदा की किताब में जिस शजर तैयब का जिक्र है वो मुहम्मद और आले मोहम्मद हैं। बदी का दरख्त क्या है वो दरख्त जिसका जिक्र कुरान में आया है अहादीस में इसे बनी उमैया से ताबीर किया गया है एक और हदीस शरीफ बयान करती है कि आदम ने जिस दरख्त के खिलाफ ज्यादा की वो मोहम्मद और आले मोहम्मद के इल्म का दरख्त था तो अब हम जानते हैं कि ये एक दरख्त है जो मोहम्मद और आले मोहम्मद से वाबस्ता है अलहम ये मोहम्मद और आले मोहम्मद का दरख्त है और अब हम जानते हैं कि मोहम्मद और आले मोहम्मद का दरख्त दर हकीकत दरख्त नहीं है दुनिया के किसी दरख्त की तरह नहीं है बल्कि कुछ और है, और है फातिमा जहरा उनकी तशरीहत के मुताबिक वो दरख्त है ज़हरा वो शजरा हैं, जिनसे मुहमद और आल मुहमद और तमाम अम्बिया और मुरसलीसल्लाम की नस्ल आती है और आईमा और मेहदीन फातिमा से आते हैं अलैहिस्सलाम एक और रिवायत में इस किस्से का तफसील से जिक्र है कि आदम की सरकशी क्या थी और ये बुनियादी तौर पर बयान करता है कि आदम अलैहिस्सलाम अपने आप से सोच रहे थे कि खुदा ने मुझसे बड़ा किसी को पैदा नहीं किया मैं तमाम मखलूक से ज्यादा जानने वाला हूँ मैं कितना खुशकिस्मत हूँ क्या मेरा इस तरह होना हैरत अंगेज नहीं है और जब वो ये सोच रहे थे और जैसे ही ये गरूर उनके दिल में दाखिल हो चुका था खुदा ने इन्हें इल्हाम किया और कहा नहीं आदम अपने तबाह होने से पहले ऊपर देखो और आदम अरश की तरफ देखते हैं और वो क्या देखते हैं वो तख्त पर लिखा हुआ देखते हैं ला इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह वली अल्लाह वो तख्त पर मोहम्मद और अली और फातिमा और अल हसन और अल हुसैन अहल किसा के नाम लिखे हुए देखते हैं आदम हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो अपने बजाय और कोई पांच नाम देखते हैं और आदम इन नामों में से नहीं है तो वो कहते हैं ए खुदा ये कौन है जो इतने अजीम है कि तूने अपने नाम के साथ अपने तख्त पर इनका नाम भी लिखा है आदम सलाम को जवाब आया ये मेरे महबूब हैं ये मोहम्मद और आल मोहम्मद हैं ये मेरे मुकद्दस लोग हैं ये तमाम मखलूक में से मेरे चुने हुए हैं और इसी लम्हे आदम के दिल में हसद दाखिल हो गया और मोहम्मद और अली का दर्जा हासिल करना चाहते थे और जब इन्हें मालूम हुआ कि खुदा ने एक औरत पैदा की है जो इनकी बीवी हव्वा से बेहतर है तो उन्होंने इस औरत की ख्वाहिश की और हव्वा के दिल में फातिमा जहरा के खिलाफ हसद दाखिल हो गया क्योंकि फातिमा जहरा हव्वा से अफजल थी ये रिवायत बयान करती है इमाम अहमद अल हसन ने इनकशाफ किया कि आदम ने जो ज्यादा की वो ये थी कि उन्होंने हकीकत में रिश्ता जोड़ने की कोशिश की उन्होंने शादी करने की कोशिश की उन्होंने फातिमा तो की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश की और ये अजीम जुर्म ये अजीम गुना समझ में आता है क्योंकि ये एक खयानत है इसका ताल्लुक औरत से है इन्हें जला वतन कर दिया जाता है और न सिर्फ कोई औरत बल्कि तमाम खुतिन की सैदानी इन्हें आसमानों से निकाल दिया जाता है इन्हें एदन से निकाल दिया जाता है इनको और इनकी बीवी को इस हसद की वजह से जो उनके दिल में फातिमा के खिलाफ थी क्योंकि उन्होंने देखा कि इनका शौहर इन्हें चाहते हैं इन्हें भी साथ निकाल दिया गया और आगे और आगे भी हमें इल्मी तहरीरें मिलती हैं और यहूदियों की रिवायतों में हमें ऐसे मनाज़र मिलते हैं जो इसके बारे में बयान करते हैं रवायात जो कि इस वक्त के बारे में बताती हैं जब आदम को बाघ से निकाल दिया गया था और जब वो पछतावा कर रहे थे और खुदा से अपने गुना की माफी मांग रहे थे उन्होंने एक पत्थर लिया जिसकी धार तेज थी और इससे अपनी को मारने लगे। और रवायत कहती है कि खतना के अमल की जड़ ये है कि ये आदम के तौबा करने और पशेमानी की हालत में उनकी शर्मगाहों को काट देने से है आदम क्यों अपने नफस को एक गंदी चटान से काट कर खतना करेंगे जो उन्होंने जमीन पर पाया था अगर उनके गुनाह का किसी ऐसी चीज से कोई ताल्लुक न था जो जिनसी थी इसका कोई मतलब नहीं है सही बात है चुनाचे जब हम इन तमाम रवायात इन तमाम अहदीस को जमा करते हैं जब हम देखते हैं कि बैत की अहल बैतम की भी में ख्वाबों की ताबीर मोमिन है तो हमें मालूम होता है कि ये सारी तस्वीर वाज हो जाती है और जिसने आदम को जन्नत से निकाला वही खालिक है जिसने आदम को पैदा किया और जब हम सोचते हैं कि ये खालिक कौन था जिसने आदम को पैदा किया ये खालिक कौन था जिसका जिक्र इन में किया गया था आदम के साथ बाग में चहल कदमी करते हुए ये खालिक कौन था जिसने आदम को अपनी शक्ल में बनाया जबकि खुदा ताला किसी भी सूरत से बाला तर है जबकि खुदा ताला बहुत ऊंचा है और उसके लिए आदम के साथ बाग में चलना नामुमकिन है ये कौन है ठीक है हम कुरान को देखते हैं ये क्या कहता है इसमें कहा गया है कि खुदा ने शैतान से पूछा कि तूने उसको सजदा करने से क्यों इनकार किया जिसे मैंने अपने हाथ से बनाया हम अहादीस में हाथ ढूंढते हैं हम मोहम्मद के अहलैत की अहादीस में जाते हैं हाथ क्या होते हैं क्या खुदा के हाथ हैं हमें यह हदीस मिलती है कि हम खुदा के हाथ हैं, हम खुदा का चेहरा हैं, जिससे वो तखलीक का सामना करता है खुदा की टांगे हम हैं, हम खुदा की जबान हैं, और इसलिए अब हम जानते हैं कि जिन हाथों ने आदम को पैदा किया वो मोहम्मद के अहल अलैहिस्सलाम के अलावा कोई और नहीं था और इमाम अहमद अल हसन मिन ने इनकशाफ किया कि खास तौर पर ये अली इबन अबी तलब ही थे जिन्होंने आदम को खल किया वो खुदा के हाथ थे और इसलिए जाहिर होता है कि यह एक अजीम सरकशी की कहानी है जो पहली तख्लीक अपने खालिब के खिलाफ करती है इसका डायरेक्ट खालक अली इबन अबी तालब आदम अपने खालिद की बीवी के ख़िलाफ़ ज्यादा करते हैं और इनके खालि इन्हें इसी तरह मुल्क से खारिज करते हैं जिस तरह कोई बाप अपने बेटे को जिला वतन करता है अगर उसका बेटा उसकी बीवी के खिलाफ ज्यादा करने की कोशिश करता है और अब कहानी समझ में आती है और ये समझ में आता है कि आदम ने खुद का ख़तना क्यों किया था और ये बात भी समझ में आती है कि फिर खुदा आदम को सजा के तौर पर क्यों कहता है कि तुम और ज़मीन पर उतर जाओ और माल और औलाद में एक दूसरे के साथ शरीक हो जाओ और उल्मा ने इन दोनों चीज़ों के मायने में बहुत इख्तलाफ किया है और गौर किया है माल में हिस्सा और औलाद में हिस्सा इसका क्या मतलब हो सकता है और उल्मा ने फरमाया कि माल में हिस्सादारी उस वक्त होती है जब कोई शख्स नाजायज तरीक़ों से जुए के ज़रिए असमत फरोशी के ज़रिए मनशियात की फ़रोख्त से धोखा दही से चोरी के ज़रिए पैसे कमाता है ये शैतान के साथ इश्तराक कर रहा है क्योंकि शैतान ने इन आमाल को मुतासर किया है और उन्होंने अपने आप में सोचा कि इंसानों का इश्तराक कैसे होता है और बहुत से लोगों ने पूछा कि कैसे इस आयत का क्या मतलब है शैतान बच्चों में और इससे मुराद जिना की औलाद है ये बच्चों में शरीक होने के मायने हैं इसका मतलब दूसरी रवायात में या दूसरे लफ्जों में उलमा की आरास से है इसका ये मतलब है कि जब आप अपनी बीवी से हम बिस््री करने से पहले बिसमान रहीम नहीं कहते हैं तो दर हकीकत शैतान उतर आता है और वो मर्द और उसकी बीवी के दरमियान जमा के इस फेल में मशगूल हो जाता है उनका कहना है कि अगर इससे कोई बच्चा निकलता है तो वो शैतान का बच्चा होता है इमाम अहमद अल अलहसन मिन इस मामले की हकीकत को जाहिर करते हैं और हम कुछ नॉस्टिक तहरीरों की समत देखते हैं जो पढ़ने से मना की गई थी और अलग रखी गई थी और छुपाई गई थी और इंजील से अलग रखी गई थी कुछ कहानियाँ जो यहूदियों और उनके खफिया सहीफ़ों के जरिए महफूज की गई थी जो दरअसल ये बयान करती हैं कि हवा ने आदम को इस वक्त छोड़ दिया जब वो बागे अदन से निकाले जाने के बाद रो रहे थे और वो दूसरी सरजमीन पर जाती हैं और उनका सामना एक खूबसूरत आदमी से होता है जो एक फरिश्ते की तरह होता है जो दरअसल लूसीफर शैतान होता है और वो इसके बहकावे में आ जाती हैं और वो इससे हमला हो जाती हैं और खुदा ऐसा होने देता है क्योंकि वो हवा से गैर मुतमैन होता है और हव्वा और आदम को सज़ा के तौर पर ऐसे होने देता है और वो पहलूट है काबिल से हमला हो जाती हैं ठीक है आदम आखिरकार वो फरिश्तों के जरिए खबरदार कर दिए जाते हैं वो हवा को बचाने जाते हैं वो इन्हें अपने पास वापस ले जाते हैं उन्होंने फैसला किया कि वो हवा के साथ काबिल की परवरिश करेंगे और होवा के साथ उनका दूसरा बेटा होता है और उन्होंने इस दूसरे बच्चे का नाम हाबिल रखा और ये वो नुकता है जहाँ दो अजीम खूनी नस्लों की बड़ी कहानी शुरू होती है शैतान का खून होवा के साथ मिल गया जिसकी औलाद काबिल है और आदम और हवा के खून के मिलने से हाबील आते हैं नेक खून की नसल जो खुदा का नूर खुदा की रूह जो असल में आदम में फूकी गई थी और वो नजिस खून की नसल जिसमें वो तमाम हसद नफरत और नाफरमानी और तकबर होती है जो शैतानी थी खुदा अपने जानशीन का नाम मुकर करता है वो बादशाह का इंतख्या करता है जो आदम के बाद हुकूमत करेंगे जब आदम ने तोबा की खुदा ने आदम के साथ पहला अहदनामा जो टूट गया था उसके बाद इसे बेहाल किया खुदा फैसला करता है की वो आदम को माफ़ करेगा आदम अब खुदा के साथ दोबारा अच्छी शराय पर होते हैं और वो उसकी तरफ से एक रसूल और खुदाई मुक्र करद बादशाह के तौर पर बेहाल होते हैं और खुदा हबील को आदम के जानशीन के तौर और पर चुनता है शैतान तौबा नहीं करता और वो लानती होता है वो और उसकी औलाद लेकिन फिर भी काबिल पहलूठा होता है, वो सबसे बड़ा होता है और वो खुद को हुक्मरानी का ज्यादा हकदार समझता है जैसा कि उसके बाप शैतान में खूबियां थी इसी तरह काबिल में भी वो ही खूबियां होती हैं ये सोच कर के वो बेहतर जानता है अपने आप को हाके मुकर करना चाहता है जो करता है, उसके लिहाज से खुदा के फैसले को कबूल नहीं करना चाहता लेकिन वो इसे अपने बाप से एक कदम आगे ले जाता है जब काबिल पर यह वाजे हो गया कि आदम हबील को अपना जानशीन नामजद करने वाले हैं, जब काबिल पर यह वाजे हो गया कि खुदा का इंतबाब जबकि इन दोनों को हुक्म दिया गया कि वो लेकर आए और हाबील की पेशकश कबूल कर ली गई काबिल को मुस्तरद कर दिया गया काबिल ने फैसला किया कि इसे किसी भी जरूरी तरीके से पर चढ़ना चाहिए और इसके लिए हुकूमत करने और जानशीन बनने और बादशाह बनने के लिए अपने बाप आदम के बाद जो इसके असली बाप नहीं थे काबिल ने फैसला किया कि वो एक कदम आगे जाएगा और वो हाबील को जमीन के नीचे डाल देगा वो अपने भाई को कत्ल करने का फैसला करता है और हकीकत में वो ऐसा ही करता है और वो ऐसा काम करता है जो शैतान की सरकशी से भी ज्यादा होलनाक होता है शैतान उसने फैसला किया कि वो आदम को गुमराह करेगा और आदम को दुश्मन के तौर पर लेगा लेकिन उसने कभी आदम को कत्ल नहीं किया काबिल ने इसे एक कदम आगे बढ़ाने का फैसला किया और उसने हाबील को मार डाला और वो गुना पहला असली कत्ल और जुर्म और गुना बन जाता है जो रुए जमीन पर किया जाता है और यही वजह है कि दूसरे तमाम गुना जो जमीन पर उस वक्त तक किए जाते हैं जब तक कि इसकी इब्तदा ना हो वो सब वापस काबिल या उस नजिस खून की नस्ल की तरफ से आते हैं जैसा कि हम देख सकते हैं कि काबिल अब कत्ल के मुजरम होकर अहल बैत की रवायतों में जला वतन कर दिया जाता है और तोरेत में इंजील की कहानी के मुताबिक जला वतन किया जाता है वो इसलिए मारा नहीं गया कि उसने कोई जुर्म नहीं किया क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं था जो खुदा की तरफ से मुकर किया गया था जो किसी शख्स को किसी दूसरे शख्स को कत्ल करने से रोकता था क्योंकि ये ऐसा अमल था जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था और इस तरह आप किसी को किसी ऐसी चीज की सजा नहीं दे सकते जिसके खिलाफ आपने इन्हें खबरदार नहीं किया हो चुनाचे काबिल आजादाना तौर पर चला जाता है अपने बाप के सामने से निकाल दिया जाता है लेकिन इसके खिलाफ कोई इंतकाम नहीं लिया जाता है और वो शहर बनाता है और वो बढ़ता है और फलता फूलता है और आदम और और वो एक तवील अरसे तक सोग मनाते हैं और फिर इनका एक और बेटा होता है जिसका नाम शीत होता है और वो खुदा इन्हें जानशीन मुक्र करता है और आदम की नस्ल भी बढ़ने लगती है लेकिन वो काबिल की औलाद की तरह ज्यादा नहीं बढ़े और बनी काबिल ने बड़े बड़े शहर बनाए और उन्होंने अपने आप को उन शहरों पर हाकिम मुकरर किए जबकि बनी आदम खुदा के इंतबाब को मजबूती से थामे रहे लिहाजा अब यहाँ दो निज़ाम हुक्मरानी वाजे किए जा रहे हैं हुक्मरानी का एक निज़ाम जो खुदा के तकरूर पर मबनी है खुदा आदम को मुकर्र करता है और फिर आदम अपनी वसीयत में अपना जानशीन मुकर करता है और उसके बाद आने वाले जानशीनों को और हर साल बनी आदम जमा होते हैं और अपनी किताब खोलते हैं जिसमें उन्होंने वहाँ हिफाजत की थी यानी आदम के अल्फाज की हिफाजत की थी और वो जानशीन के नाम का जश्न मनाते थे और वो आदम सलाम की वसीयत में जानशीनों के नाम हिफ्स कर लेते थे और वो बनी काबिल से निजात के लिए दुआ करते जो एक निजात दहिंदा की सूरत में आने वाले थे जिनकी आदम ने पेशंगोई की थी कि वो आएंगे जिनका नाम नूह होगा जो कर्र अर्ज पर अदल इंसाफ कायम करेंगे और काबिल की औलाद और उनका निजाम हुकूमत कर रहे थे जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत थी जिसके पास सबसे ज्यादा दौलत थी उसे वो करना था जो वो करना चाहता था जो तख्त पर चढ़ने में कामयाब हो गया उसे तख्त पर रहने दिया गया और इस तरह एक तरफ आप लोगों की बालादस्ती या हुमरानी काबिल के साथ देखते हैं और दूसरी तरफ हाबील के साथ अल्लाह कायम की जा रही है। आदम और उनकी नस्ल की सूरत में, जो आदम के मुकरर करदा जानशीन थे और इसी तरह ये दोनों निज़ाम हुकूमत आदम के जमाने से लेकर अब तक तमाम अम्बिया और रसूलों की कहानियों के दिल और बुनियाद हैं आदम के जमाने से लेकर अब तक हर नबी और रसूल जिस मिशन के साथ आए हैं, के जमाने और और अब मेहदी तक ये मिशन था कि खुदा के, के मुंतब बंदे को तख्त पर बिठाया जाए और लोगों को हक की अतात की तरफ बुलाया जाए बादशाह और हकी जानशीन और अपने आप को झूठे बादशाहों से बेकसूर करार करारखलूकत करते हैं बस खुदा की तरफ से अख्तियार के साथ करते हैं। और ये काफी हद तक मकसद हकीम के पहले बाब की कहानी है